Hello students, today we are going to discuss about the legislative procedure in parliament. आज हम लोग जिस बिंदु पर चर्चा करेंगे वह है संसद में विधायी प्रक्रिया. ये पार्लियामेंट सीरीज का तीसरा टॉपिक है, तीसरा सीरीज का तीसरा लेक्चर है, जिसमें इसके पहले हमने आपको पार्लियामेंट का स्ट्रक्चर और उसका फंक्शन और उसकी मेंबरशिप के बारे में डिस्कशन दिया था. आज हम आपको जो बताने जा रहे हैं वो वस्तुतः इस बात से रिलेटेड है कि कानून बनाने की प्रक्रिया क्या है, ठीक है, किस प्रकार से संसद में कानून बनता है, ठीक है. तो ये जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को जानने से पहले सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए कि विधेयक और कानून क्या होता है. दो शब्द आप सुनेंगे, एक है विधेयक और दूसरा है कानून. इसको कहते हैं बिल और इसको कहते हैं एक्ट. कोई भी विधेयक कानून तभी बनेगा जब यह संसद के दोनों सदनों से पारित हो जाए और इस पर राष्ट्रपति की सहमति मिल जाए. तो बिल वह चीज है जो अभी संसदीय प्रक्रिया में है, किसी एक सदन में है और इस पर अभी राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त नहीं हुई है. तो किसी भी विधेयक को कानून बनने के लिए संसद के दोनों सदनों से पारित करना होगा और उस पर राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त करनी होगी. तो ये दो शब्द आप बार बार सुनते होंगे, संविधान संशोधन विधेयक लाए, दल बदल कानून है. इस तरीके से कई सारे एग्जाम्पल में आप बार बार देखते होंगे ये कानून और विधेयक शब्दों का इस्तेमाल होता है. इन दोनों का मतलब क्या होता है ये जानना आपके लिए आवश्यक था. इसके बाद विधेयक जो होते हैं, जो बिल्स होते हैं, वो वस्तुतः दो प्रकार के होते हैं. एक होता है प्राइवेट मेंबर बिल और एक होता है गवर्नमेंट बिल, यानी कि निजी विधेयक और सरकारी विधेयक. निजी विधेयक और सरकारी विधेयक जब हम कहते हैं तो जो निजी विधेयक है वह किसी भी सांसद द्वारा, देखिए जो भी सांसद है, जो भी एमपी है, वो उसका एक बेसिक उत्तरदायित्व है विधायन या लेजिस्लेशन, विधि के निर्माण का कार्य करवाना. तो कानून बनाने की प्रक्रिया कोई भी सांसद प्रारंभ कर सकता है. अगर कोई सांसद इंडिविजुअली, इन इंडिविजुअल कैपेसिटी अपना कोई बिल लाता है किसी भी चीज के लिए तो उसे हम प्राइवेट मेंबर बिल कहते हैं. जब भी सरकार का कोई मंत्री कोई विधेयक लाएगा, कोई प्रस्तावित करेगा कानून के लिए विधेयक, तो उसको हम गवर्नमेंट बिल कहेंगे. तो एक निजी विधेयक होता है और एक गवर्नमेंट बिल होता है, सरकारी विधेयक और निजी विधेयक. आपको ध्यान होगा अभी पिछले सेशन में एक सांसद है शशि थरूर, उन्होंने एक प्राइवेट मेंबर बिल लाया था, ट्रांसजेंडर्स बिल. तो वो प्राइवेट मेंबर बिल है, ठीक है. जब भी सरकार कोई भी बिल लाएगी तो उसको हम गवर्नमेंट बिल कहेंगे, ठीक है. जो बिल है, जो विधेयक है, वो चार प्रकार के होते हैं. एक होता है ऑर्डिनरी बिल या साधारण विधेयक, दूसरा होता है मनी बिल या धन विधेयक, तीसरा होता है फाइनेंस बिल या वित्त विधेयक, चौथा होता है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल या संविधान संशोधन विधेयक. तो सारे विधेयकों को हम चार कैटेगरी में बांटते हैं, ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल, फाइनेंस बिल और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल. तो आज सबसे पहले हम जो शुरुआत करेंगे वो ऑर्डिनरी बिल पर शुरुआत करेंगे. सॉरी, ऑर्डिनरी बिल या साधारण विधेयक. सिंपल शब्दों में अगर हम ऑर्डिनरी बिल को डिफाइन करना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि इन तीन को छोड़कर जो भी बिल है वो सारे ऑर्डिनरी बिल है. अगर कोई भी बिल मनी बिल नहीं है, फाइनेंस बिल नहीं है और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल नहीं है तो वो सारे बिल क्या कहलाएंगे? ऑर्डिनरी बिल. मनी बिल आर्टिकल 110 में दिया गया है, फाइनेंस बिल 117 में दिया गया है और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल 368 यानी 368 में दिया गया है. जो ऑर्डिनरी बिल होता है, इस बिल पर दोनों सदनों यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों को समान शक्तियां प्राप्त होती हैं. मतलब ये दोनों में से किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, इसके लिए दोनों सदनों से पास होना जरूरी होता है और इसके लिए साधारण बहुमत की जरूरत होती है. साधारण बहुमत का मतलब क्या होता है? साधारण बहुमत का मतलब होता है प्रेजेंट एंड वोटिंग का 50% प्लस 1, उपस्थित और मतदान करने वालों का आधे से एक ज्यादा. यह होता है साधारण बहुमत और यह साधारण बहुमत एक कंडीशन के अंतर्गत होना चाहिए और वो कंडीशन है कोरम पूरा करना चाहिए.
अगर कोरम पूरा होगा तभी कोई मीटिंग या बैठक वैलिड होगी। तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों को समान शक्तियां प्राप्त है, दोनों में किसी में इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, दोनों सदनों से इसको पास कराना होगा और उसके बाद इसे राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेजा जाएगा। इंपॉर्टेंट चीज यह है कि जो ये दो सदन है, ये दोनों सदन अगर कभी अलग अलग इस ऑर्डिनरी बिल या साधारण विधेयक पर सहमत नहीं हुए हैं या उनकी दोनों के बीच में कंसेंसस नहीं बनी है, दोनों सदनों ने इसे पारित नहीं किया है, तो यह एक अलग संवैधानिक स्थिति होती है जिसको हम कहते हैं डेडलॉक। डेडलॉक यानी कि गतिरोध। तो जब लोकसभा और राज्यसभा किसी विधेयक को आपसी सहमति से पारित ना कर पाए तो उसको हम डेडलॉक या गतिरोध कहते हैं। जब गतिरोध होगा उस स्थिति में ज्वाइंट सेशन यानी कि दोनों सदनों का संयुक्त सत्र बुलाने का प्रावधान है। यह प्रावधान आर्टिकल 108 में दिया गया है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का प्रावधान आर्टिकल 108। ज्वाइंट सेशन में क्या होता है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्यों को एक साथ बुला के बिठाया जाता है उस साधारण विधेयक पर। ध्यान रखिएगा ये केवल ऑर्डिनरी बिल के केस में होगा, बाकी तीनों केसेस में ये नहीं हो सकता। उस साधारण विधेयक के मामले में दोनों एक साथ बैठेंगे, लोकसभा अध्यक्ष सदैव ज्वाइंट सेशन की अध्यक्षता करेंगे। इन केस लोकसभा अध्यक्ष अवेलेबल नहीं है तो लोकसभा के उपाध्यक्ष उसकी अध्यक्षता करेंगे। अगर लोकसभा के उपाध्यक्ष भी अवेलेबल नहीं है तो वहां उपस्थित लोगों द्वारा अपनी अध्यक्षता के लिए किसी सदस्य का चुनाव किया जाएगा। ध्यान रखिएगा राज्यसभा के सभापति इसकी अध्यक्षता कभी नहीं करेंगे, क्योंकि राज्यसभा के सभापति भारत के उपराष्ट्रपति हैं जो कि सदन के सदस्य नहीं है। तो अगर वो सदन के सदस्य नहीं है तो सदन की बैठक की अध्यक्षता का अधिकार उनके पास नहीं हो सकता। इसलिए इनकी हायरार्की भी आपको याद रखनी होगी कि अगर अध्यक्ष नहीं है तो कौन अध्यक्ष बनेगा। फिलहाल ज्वाइंट सेशन या गतिरोध, गतिरोध कब मानते हैं, गतिरोध की स्थिति को हम कब मानते हैं कि अब गतिरोध हो गया, कब दोनों में डेडलॉक हो गया, तो इसके लिए कंडीशन है, इसको समझिएगा थोड़ा सा। मान लीजिए संसद के दो सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा ने कोई विधेयक पारित किया और वह पारित करके राज्यसभा के पास भेजा, ठीक है। अब राज्यसभा के पास जब बिल गया तो राज्यसभा के पास पहला ऑप्शन है कि वो उसको स्वीकार कर ले, दूसरा ऑप्शन है कि उसको अस्वीकार कर दे, तीसरा ऑप्शन है कि उसको रिटर्न करे लोकसभा के पास विद अमेंडमेंट, कुछ सुझावों के साथ रिटर्न कर दे, और चौथा ऑप्शन है कि वो 6 मंथ्स तक कोई भी एक्शन ना ले। तो ये 4 ऑप्शन है राज्यसभा के पास यानी दूसरे सदन के पास। अगर लोकसभा ने भेजा तो राज्यसभा के पास और राज्यसभा ने भेजा तो लोकसभा के पास, ठीक है। अब जब भी ये स्थिति है, अगर दूसरे सदन ने उसे पारित कर दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, दूसरे सदन ने अगर मना किया, 6 महीने तक कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं किया या उसके द्वारा संशोधित बिल जो भेजा गया वो पहले सदन को मंजूर नहीं है, तो ये जो 3 स्थितियां हैं, इन 3 स्थितियों में अगर कोई भी बिल है और पहला सदन उसे पारित कराना चाहता ही है तो वह ज्वाइंट सेशन के लिए प्रार्थना कर सकता है और उसके अनुरूप आगे चल के हम ज्वाइंट सेशन बुला सकते हैं। तो बेसिकली या तो आप स्वीकार करिए, अगर आप स्वीकार नहीं करते हैं तो अस्वीकार की स्थिति, 6 महीने तक उसको कुछ ना करने की स्थिति और रिटर्न जो एक्सेप्टेबल नहीं है उस स्थिति में हम ज्वाइंट सेशन बुलाते हैं। संसद का ज्वाइंट सेशन बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइम्स में बुलाया जाता है, सामान्यतः इसे संसदीय प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जाता है। आजादी के बाद से अब तक केवल 3 बार ज्वाइंट सेशन बुलाया गया है भारतीय संसद का, एक बार 1961 में, एक बार 1961 में, दूसरी बार 1968
78 में और तीसरी बार 2002 में, ठीक है। जो पहली बार बुलाया गया था वो बेसिकली डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट के लिए था, दहेज निरोध कानून के लिए था। दूसरी बार बैंकिंग सर्विसेज रेगुलेशन एक्ट के लिए था। और तीसरी बार 2002 में जो बुलाया गया था वो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट थी और ये बुलाया गया था पोटा के लिए, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट के लिए बुलाया गया था। तो अब तक केवल तीन बार जॉइंट सेशन बुलाया गया, सामान्यतः यह बुलाया नहीं जाता। अब हम आपको बताने जा रहे हैं किस प्रकार से ऑर्डिनरी बिल पारित किया जाएगा संसद से, उसको पारित करने के लिए क्या क्या चरण होंगे। तो संसद से ऑर्डिनरी बिल पारित करने के लिए जो चरण है, जो स्टेजेस हैं, उनको हम थ्री रीडिंग्स कहते हैं, थ्री वाचन कहते हैं। फर्स्ट रीडिंग, सेकेंड रीडिंग एंड थर्ड रीडिंग, यानी कि प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन और तृतीय वाचन। तीन वाचनों में, हाँ, तो ऑर्डिनरी बिल्स पास करने के लिए तीन चरण हैं, प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन और तृतीय वाचन। इन तीन वाचनों के बाद, यानी तीन रीडिंग्स के बाद कोई भी बिल पारित होगा। जो फर्स्ट स्टेज है, जो फर्स्ट रीडिंग है, प्रथम वाचन है, ये इंट्रोडक्टरी स्टेज है, इंट्रोडक्शन की स्टेज है। एक बात ध्यान रखिएगा, एक छोटा सा पॉइंट ये भी है कि जो गवर्नमेंट बिल है, जो गवर्नमेंट बिल है उसको प्रस्तुत करने से पहले आपको 7 दिन पहले कम से कम अध्यक्ष को बताना होगा, जबकि जो प्राइवेट मेंबर बिल है वो उसकी सूचना 1 महीना पहले अध्यक्ष को देनी होगी, ठीक है। तो जो प्रथम वाचन है, इसमें जो बिल है, जो विधेयक है, उसका ऑब्जेक्टिव, टाइटल, ये दो चीजें बतानी होती हैं। तो जब बिल इंट्रोड्यूस करेंगे, जो भी मेंबर या मंत्री उसको इंट्रोड्यूस कर रहा है, वो उसका टाइटल बताएगा, अर्थात शीर्षक बताएगा, और उसका उद्देश्य क्या है वो बताएगा, ठीक है। सामान्य तौर पर इतना ही बताया जाता है। कई बार ऐसा होता है कि अगर कोई भी बिल ऐसा है जो बहुत कॉन्ट्रोवर्सियल है तो वो उसके जनरल प्रिंसिपल्स पर भी सामान्य छोटी सी चर्चा कर सकता है, परंतु यह सामान्य तौर पर नहीं होता। प्रथम वाचन में जब वो टाइटल और बिल की डिटेल बता देगा, उसकी ऑब्जेक्टिव बता देगा, उसके बाद यहां से ये फर्स्ट रीडिंग समाप्त हो जाती है। इसके बाद इसको सेकेंड रीडिंग के लिए भेज दिया जाता है, द्वितीय वाचन के लिए भेज दिया जाता है। इसके बीच में सामान्यतः 2 से 3 दिन की छुट्टी रखी जाती है, गैप रखा जाता है, क्योंकि कोई भी विधेयक जो दिया गया है उसकी कॉपी मेंबर्स को मिलेगी, वो मेंबर्स उसे पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद उस पर अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए, उस पर अध्ययन करने के लिए उनको यह समय दिया जाता है, ठीक है। इसी के साथ ही उस बिल को कई बार गवर्नमेंट गेजेट में प्रस्तुत कर दिया जाता है, पेश कर दिया जाता है, जिससे लोगों के पास वो बिल पहुंच जाता है, और जैसे ही वो गैजेट में प्रस्तुत किया जाता है, प्रथम वाचन कंप्लीट मान लिया जाता है। सेकंड वाचन, यानी द्वितीय वाचन प्रारंभ होने के उपरांत, जो द्वितीय वाचन है उसमें कुछ प्रक्रियाएं होती हैं। सबसे पहले जो द्वितीय वाचन शुरू होगा तो उसमें 4 चरण होते हैं। पहला ऑप्शन यह है कि बिल को इमीडिएटली, यानी कि तुरंत परिचर्चा के लिए अडॉप्ट कर लिया जाए, जैसे ही बिल आपको मिला आप उस पर परिचर्चा प्रारंभ कर दें। दूसरा तरीका यह है कि उस बिल को उस सदन की सेलेक्ट कमेटी के पास भेज दें, प्रवर समिति के पास भेज दें। प्रवर समिति वह समिति होती है जिसमें उसी सदन के सदस्य होते हैं, और यह एक विशेषज्ञ समिति होती है जो वस्तुतः विशेषज्ञों से मिलकर बनी होती है। जो मेंबर वो बिल पेश करता है वो भी इसका सदस्य होता है, जो कि विधेयक को समझाने के लिए, विधेयक के बारे में जानकारी देने के लिए उपलब्ध रहता है। इसके बाद तीसरा ऑप्शन भी है कि इसको ज्वाइंट प्रवर समिति या ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी के पास भेज दिया जाए। इसमें दोनों सदनों के सदस्य होंगे और वह सदस्य जिसने बिल पेश किया है वो भी होगा। ये सभी लोग मिलकर के उस बिल पर चर्चा करें, उसके बारे में विशेषज्ञों से राय लें, और अगर कोई संशोधन संभावित है तो उसे भी सुझाएं। तीसरा तरीका यह है, चौथा पॉइंट यह है कि इसमें विधेयक को पब्लिक ओपिनियन के लिए भेज दिया जाए।
ठीक है, तो फर्स्ट आप इमीडिएट कंसीडरेशन के लिए ले लीजिए, दूसरा सेलेक्ट कमेटी के पास भेज दीजिए, तीसरा आप ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी के पास भेज दीजिए, चौथा आप उसको पब्लिक ओपिनियन के लिए भेज दीजिए। इन चारों में से कोई एक ऑप्शन आप चुन सकते हैं। अगर आपने इमीडिएट कंसीडरेशन के लिए ले लिया, तुरंत उस पर चर्चा के लिए ले लिया, तो बाकी किसी चीज का कोई मतलब नहीं है। अगर मान लीजिए आपने उसको समितियों के पास या पब्लिक के पास भेजा है, तो अब इनकी रिकमेंडेशन और इनके सुझावों के साथ इसको सदन में दोबारा प्रस्तुत किया जाएगा, जितनी भी उस पर अन्य रिकमेंडेशन होंगी उन सबको लेकर के। अब सदन के सदस्य सेकेंड रीडिंग में ही इस पर क्लॉज बाय क्लॉज इन डिटेल चर्चा करेंगे, यानी कि उस पर बिंदु दर बिंदु चर्चा होगी, डिटेल में चर्चा होगी। सदन के सदस्य अनुशंसाएं मान सकते हैं, अस्वीकृत कर सकते हैं, नए अमेंडमेंट सुझा सकते हैं, कोई परिवर्तन है तो वो भी सुझा सकते हैं। तो इस पर पूरी बहस और परिचर्चा होगी। इसके बाद सेकंड रीडिंग समाप्त हो जाएगी, फिर थर्ड रीडिंग आएगी। थर्ड रीडिंग का संबंध केवल और केवल बिल को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने से है। इस चरण में कोई भी संशोधन नहीं सुझाए जाएंगे, न संशोधन किए जाएंगे। इस स्तर पर केवल यह निर्धारित किया जाएगा कि विधेयक स्वीकार किया जाएगा या अस्वीकार किया जाएगा। ठीक है, तो यह तीन रीडिंग के थ्रू उस एक सदन से हम विधेयक को पारित करते हैं। जब विधेयक वहां से पारित हो जाता है, इसके बाद इसे हम दूसरे सदन के पास भेजते हैं। दूसरा सदन भी इन्हीं तीन रीडिंग के थ्रू उस विधेयक को पारित करेगा, और जब वह इसे पारित कर देगा उसके बाद इसे राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेजा जाएगा। राष्ट्रपति की सहमति के उपरांत यह विधेयक कानून हो जाएगा। ठीक है, तो संसद के दोनों सदनों में तीन रीडिंग के थ्रू, तीन वाचकों के थ्रू कोई भी बिल पास होता है। तीसरे वाचक के समय में साधारण बहुमत से इस पर वोटिंग होती है। साधारण बहुमत मैंने जैसा आपको बताया कि आधे से अधिक उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्य साधारण बहुमत की परिभाषा में आते हैं। ठीक, तो ये हो गया ऑर्डिनरी बिल। ऑर्डिनरी बिल के बाद मनी बिल है, धन विधेयक है, फाइनेंस बिल है और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है। जो मनी बिल है वो आर्टिकल 110 में दिया गया है। आर्टिकल 110 अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन के बिल एक्ट में देखेंगे तो बताता है कि कोई भी बिल मनी बिल तब होता है जब वो भारत की संचित निधि से धन खर्च करने, धन लाने, टैक्स से रिलेटेड इनकम बढ़ाने या घटाने, जो चार्जेस ऑन कंसोलिडेटेड फंड है उनसे रिलेटेड कोई भी प्रोविजन करने, इन सब चीजों से रिलेटेड है, तो उसे हम मनी बिल कहेंगे। इम्पोर्टेंट जो बात है वो यह है कि कोई भी बिल मनी बिल केवल तभी होगा जब लोकसभा अध्यक्ष उसे धन विधेयक की मान्यता दे। अगर उसमें वो सारे प्रोविजंस हैं जो 110 की शुरुआत में दिए गए हैं लेकिन अध्यक्ष ने उसको मनी बिल नहीं कहा है, तो वह मनी बिल नहीं माना जाएगा। इट इज ओनली द स्पीकर हु कैन रिकॉग्नाइज एनी बिल एज मनी बिल, एंड वंस द स्पीकर डिसाइड्स दैट इट इज अ मनी बिल, इट हैज सम स्पेशल प्रिविलेजेस। अगर अध्यक्ष ने किसी भी विधेयक को धन विधेयक मान लिया है तो उसके पास कुछ विशेष अधिकार आ जाते हैं। वह विशेष अधिकार किस प्रकार के होते हैं? वह विशेष अधिकार ऐसे होते हैं कि लोकसभा के पास शक्तियां बढ़ जाती हैं और राज्यसभा की शक्तियां लगभग समाप्त हो जाती हैं। जब भी कोई धन विधेयक होगा तो वह सबसे पहले लोकसभा में पेश किया जाएगा। लोकसभा से जब यह राज्यसभा में जाएगा तो राज्यसभा के पास पहला ऑप्शन होगा कि वो उसको एक्सेप्ट कर ले, जिसका कोई मतलब नहीं है। दूसरा ऑप्शन होगा कि वो 14 डेज तक कुछ ना करे। तीसरा ऑप्शन होगा कि वो उसे रिजेक्ट कर दे। और चौथा ऑप्शन होगा कि वो उसे रिटर्न करे। अगर उसने एक्सेप्ट किया तो बिल इज एक्सेप्टेड, अगर उसने रिजेक्ट किया देन ऑल्सो बिल इज एक्सेप्टेड, अगर उसने 14 दिन तक कुछ नहीं किया तो भी बिल इज एक्सेप्टेड, और अगर उसने रिटर्न किया, लोकसभा उस रिटर्न के अमेंडमेंट्स को माने या ना माने, बिल इज एक्सेप्टेड। इट मीन्स कि राज्यसभा के पास धन विधेयक के संदर्भ में कोई भी शक्ति नहीं होती। अधिकतम वह क्या कर सकता है? वह विधेयक को 14 दिन के लिए होल्ड कर सकता है। 14 दिन के उपरांत उसे पास कर लिया जाए। ठीक है, तो धन विधेयक इस प्रकार होता है। जो फाइनेंस बिल है, जो वित्त विधेयक है, वो 117 अनुच्छेद 117 में दिया गया है। और वित्त विधेयक दो प्रकार का होता है। फाइनेंस बिल
दो प्रकार का होता है, ये है फाइनेंस बिल कैटेगरी ए और फाइनेंस बिल कैटेगरी बी। जो फाइनेंस बिल कैटेगरी ए है उसमें लगभग वही सारे प्रोविजंस होंगे जो धन विधेयक में होते हैं, लगभग वही सारे आर्टिकल्स और प्रोविजंस होंगे जो धन विधेयक के हैं। इंपॉर्टेंट क्या है, सिर्फ एक बड़ा अंतर यह है कि इसको लोकसभा अध्यक्ष ने धन विधेयक की मान्यता नहीं दी है, इसको मनी बिल की मान्यता नहीं दी है, ठीक है। इसके साथ भी यह प्रावधान है कि यह सबसे पहले लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाएगा, सबसे पहले इसको लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जाएगा। जो फाइनेंस बिल कैटेगरी बी है इसके साथ जो प्रावधान है वह यह है कि जो वित्त विधेयक कैटेगरी बी का होगा उसमें कुछ प्रोविजन या कोई प्रोविजन अनुच्छेद 110 के होंगे, बाकी अन्य प्रोविजन होंगे। इस बिल के संदर्भ में दोनों यानी कि लोकसभा और राज्यसभा को बराबर शक्तियां प्राप्त हैं, मतलब ये कहीं पे भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, दैट इज फाइनेंस बिल कैटेगरी बी। इसके सिवा जो तीसरा चौथा सबसे इंपॉर्टेंट बिल का तरीका है वो है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, संविधान संशोधन विधेयक, जो जो अनुच्छेद 368 में दिया गया है। अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन की संसद की शक्ति एवं प्रक्रिया से संबंधित है, इसकी जो हेडिंग है दैट इज द प्रोसीजर एंड पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के साथ यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल संविधान संसद के दोनों सदनों से स्पेशल मेजोरिटी से पारित होगा, विशेष बहुमत से पारित होगा। विशेष बहुमत को आपको समझना होगा, विशेष बहुमत में एक स्पेशल तरीके से बहुमत की कैलकुलेशन होगी। इसमें क्या होता है कि जितने भी उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्य हैं, जितने भी प्रेजेंट एंड वोटिंग सदस्य हैं, ठीक है, प्रेजेंट एंड वोटिंग, इसका 2/3 होना चाहिए जो कि किसी भी दशा में उस सदन के टोटल मेंबरशिप के 50% प्लस 1 यानी आधे के आधे से एक अधिक से कम नहीं होना चाहिए। मतलब अगर मान लीजिए किसी भी सदन में, मान लीजिए लोकसभा है 550 मेंबर्स हैं, ठीक है, तो 550 मेंबर्स में आधे से अधिक होना चाहिए सबसे पहली बात। उसके साथ साथ जितने लोग आए हैं और वोट डाल रहे हैं उसका 2/3 होना चाहिए, तभी वो पारित होगा। तो दोनों सदनों से इस विशेष बहुमत से इसको पारित किया जाएगा, इस स्पेशल मेजोरिटी से पारित किया जाएगा। हालांकि कुछ ऐसे विधेयक भी हैं जिसके लिए राज्यों की आधे से अधिक विधानसभाओं की स्वीकृति और सहमति भी लेनी होगी। ये विधेयक है अनुच्छेद 54, 55, 73, 162, 241, चैप्टर 4 ऑफ पार्ट 5, भाग 5 का अध्याय 4, चैप्टर 5 ऑफ पार्ट 6, भाग 6 का अध्याय 4, अध्याय 5, चैप्टर 1 ऑफ पार्ट 11 और शेड्यूल 7 यानी सातवीं अनुसूची। इसके साथ साथ जब भी संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व से रिलेटेड कोई बिल होगा उसमें, यानी कि इतने मामलों में जो मैंने आपको बताया, इतने मामलों में उस विशेष बहुमत के साथ साथ यह भी आवश्यक होगा कि आप आधे से अधिक विधानसभाओं से सहमति लें। अभी हाल ही में आपने देखा होगा जीएसटी बिल पारित हुआ, जीएसटी बिल में सबसे पहले असम ने स्वीकृति दी, इस तरीके से अलग अलग राज्यों ने स्वीकृति दी। जब आधे से अधिक राज्य स्वीकृति दे देंगे तभी ये राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा साइन करने के लिए। तो ये संविधान संशोधन विधेयक होते हैं। इस प्रकार से ये 4 कैटेगरी के विधेयक होते हैं जो हमने आज आपको बताए। ऑर्डिनरी बिल होता क्या है, कैसे पारित होता है, मनी बिल, फाइनेंस बिल और संविधान संशोधन यानी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। अगले चैप्टर में, अगले इस सीरीज के अगले लेक्चर में हम लोग इससे आगे की चर्चा करेंगे। अगर आप लोगों को हमारे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो इसको आप लोग लाइक और शेयर कर सकते हैं, साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।